नमस्कार, आप देख रहे हैं आर एन न्यूज़। दानापुर थाना क्षेत्र के नासीगंज के चाय टोला में जीर्ण सिंह पर सामुदायिक भवन के निर्माण में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काम में बाधा पहुंचाने के विरोध में स्थानीय लोग, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं, दानापुर थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। वार्ड संख्या 28 के वार्ड पार्षद नंदलाल राय तथा ब्रजेश कुमार सिंह भी उन लोगों के साथ पहुंचे। लोगों का शिकायत था कि पुराने सामुदायिक भवन में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शिकायत की तहकीकात करने जब दानापुर थाना प्रभारी अजीत कुमार साहब उस सामुदायिक भवन पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उस जीर्ण सिंह सामुदायिक भवन में शराबियों और स्मैकरियों का अड्डा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि यहां पर जो सामुदायिक भवन का निर्माण समाज के भलाई के लिए बनाया जा रहा है, मगर कुछ असामाजिक तत्व ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। दानापुर थाना प्रभारी ने कहा कि वार्ड पार्षद नंदलाल राय द्वारा शिकायत की गई थी कि असामाजिक तत्वों द्वारा काम कर रहे मजदूरों को मारपीट करके भगा दिया गया, लेकिन शिकायत दर्ज करने के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सहयोग भवन बन रहा है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो आके काम में बाधक बना रहा है, लेबर मजदूर को भगा रहा है, और गरीबों के द्वारा जो सहयोग भवन बन रहा है वो सभी के लिए भलाई के लिए बन रहा है। ये बनना चाहिए, इसमें रोक नहीं लगना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। है इसमें प्रमोद सिंह ने पैसा दे दे के काम करवा रहा है, चार गुंडा भेज के, जैसे कि यदि घनश्याम के लड़का के लिए वो ललन नाम है, वो तो पब्लिक के इतना परेशान कर रहा है ना कि तंग तंग होके थाना में आ रहा है। थाना में दे रहे हैं आवेदन तो कहें जा रहे हैं, पकड़ा नहीं रहा है। था समझिए काम किस चीज का काम लगा था, लेबर को आया कहाँ का हम उसने काम रोक दिया, रोक के का करा लेबर के मार के भगा दिया, मिस्त्री के मार के भगा दिया, काम रोक रंगदारी लोग जा करके वही में दारू पीता है, इस्तेमाल पीता है रात के दस बजे हम जाकर खुद हम भगाए और गोली लेकर कहते तुरंत मार देंगे, बेटा भतर के मार देंगे। आप लोग जाइएगा थाना में, थाना रात के मार दिया, तोड़ दिया तय हथौड़ी दे के रात में 10 बजे रात के मारा ताला हथौड़ी से तोड़ दिया। नाम बता। नंदलाल जी वार्ड पार्षद से कंप्लेन किए हैं कि एक सार्वजनिक खर्च से एक भवन बनाया जा रहा है जो पूर्व में भी सार्वजनिक था, भवन जर्जर था तो उसे तोड़ करके पुनः नए ढंग से उसको बनाया जा रहा है। बगल में मंदिर भी है, कुछ कमरे भी बन रहे हैं। तो इनका कहना है कि समाज के कुछ लड़के लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा, घटनास्थल देख लिया है, अब आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। क्या लिख के देते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।